नमस्ते न्यूज टाइम के दर्शकों को नमस्कार। आज थोड़ी बात कर ली जाए, एकदम से आरएसएस को फिर से लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में। जब से बीजेपी आई है, खास करके 2014 से, तो रोज सुबह से शाम तक यही सुनाई देता है कि धर्म, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। और अब एक नया स्लोगन लेके आए हैं बीजेपी के लोग, पटोगे तो कटोगे। ये मुख्य रूप से जात जनगणना का जो बात हो रही है उसके उसको काटने के लिए ये लाया गया है कि बटोगे तो कटोगे। मतलब हिंदुओं को ये भयभीत किया जा रहा है, उनको उनके अंदर ये एक असुरक्षा की भावना फैलाई जा रही है कि अगर आप यूनाइटेड नहीं रहोगे तो आप कटोगे। और इसलिए यूनाइटेड में जो है कि आप अच्छा, मतलब तो एक ही है कि अगर आप हिंदू हैं तो केवल एक ही हिंदू पार्टी है, उसका नाम बीजेपी है, और जो बीजेपी को वोट देता है या बीजेपी के विचारों को या आरएसएस के विचारों को मानता है वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। ये उनकी अपनी डेफिनेशन है। ऐसे में मैं एक और चीज, एक और खतरनाक काम आरएसएस की विचारधारा में हो रहा है। ये कई जगह मांग उठ रही है और कई जगह तो इस पर कानून भी आ गया है कि जो दुकानदार हैं, और शुरुआत तो अभी हुई है खाने की दुकान से, जो दुकानदार हैं वो एक नेम प्लेट लगाएं और उस नेम प्लेट पे ये लगाएं कि इस दुकान में कौन कौन काम करता है, उनके क्या नाम है, उनका मालिक का क्या नाम है, उसका जो बर्तन धोने वाला है उसका क्या नाम है, उसके खाना बनाने वाले का क्या नाम है, इत्यादि इत्यादि। ये मुख्य रूप से सबको समझ में आ रहा है, टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। और ये भी एक एक तरह का एक एक मैसेजिंग चल रही है कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान के होटल से खाना मत खाइए या मुसलमान के यहाँ से कुछ खरीदिए मत। ये बात बार बार आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जब भाई सब हमारी जब यात्रा चलती है या हमारा कोई धार्मिक होता है तो हम मुसलमान के यहाँ से खाना हमें नहीं लेना चाहिए, इस तरह की बातें भी चल रही। मैं अभी उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। मैं अज्ञानतावश, मूर्खतावश या किस कारण से अपने एक बहुत ही छोटे फायदे के लिए, वोट के फायदे के लिए ये कैसे भारत देश को खतरे में डाल रहा है, वो जरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, पूरी दुनिया में 2022 का जो डेटा है उसके हिसाब से जो पहले चार धर्म है उसमें क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा लोग मानने वाले इस दुनिया में है। 32% लोग क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और वो तादाद नंबर्स में करीब 240 करोड़ की होती है। इस्लाम धर्म को मानने वाले मोटे तौर पे करीब 23% लोग पूरी दुनिया में हैं, और वो तादाद नंबर्स हैं 190 करोड़ पूरी दुनिया में, करीब 190 करोड़। और ये 2022 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वही आंकड़े उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले करीब मोटे तौर पे 15% लोग हैं और वो करीब 118-119 करोड़ हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं पूरी दुनिया में। और चौथा धर्म जो है वो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म को मानने वाले वो करीब 7% लोग हैं जो करीब 50 करोड़ पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो 32% क्रिश्चियन, 23% इस्लाम, 15% हिंदुइज्म और 7% बुद्धिज्म। और हर धर्म में अपने सबसेक्ट हैं, वहां पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक हैं अगर क्रिश्चियनिटी में मोटे तौर पे, इस्लाम में शिया सुन्नी हैं, हिंदुइज्म में हम लोगों के यहाँ भी बहुत से सबसेक्ट हैं, और बुद्धिज्म में हीनयान महायान ये सब अपना है। अब दूसरी बात कर, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं वो 15 राष्ट्र अपना स्टेट रिलीजन कहते हैं, वो राष्ट्र कहते हैं कि इस देश का धर्म क्रिश्चियनिटी, ये 15 राष्ट्र ऐसे हैं। 27 देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा राष्ट्र का धर्म इस्लाम, इस्लामिक स्टेट। 4 देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म, राष्ट्रीय धर्म बौद्ध है। ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भूटान, कंबोडिया, म्यांमार और श्रीलंका, ये 4 देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो बौद्ध है। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को
अपना राष्ट्रीय धर्म मानने वाला केवल पहले एक वो था, वो उसका नाम नेपाल था, अब वो भी नहीं, वो भी अब सेक्युलर स्टेट है। अब पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो अपना राष्ट्रीय धर्म हिंदू को मानता है, हिंदुइज्म मानता है। तो ये मैंने आपको दूसरी बात कही, 15 क्रिश्चियन स्टेट, 27 इस्लामिक स्टेट और 4 बौद्धिस्ट स्टेट जो अपने धर्म को ये मानते। अब जरा एक चीज और देख लीजिए कि किस किस राष्ट्र में किस धर्म की मेजोरिटी है। एक तो ये है कि स्टेट धर्म, दुनिया में 157 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में। ये सब फिगर मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम कहां खड़े हैं और हम क्या खतरा बुला रहे हैं और क्या खतरे का आवाहन कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के नेता, उसकी तरफ आपको ले चल। क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले इस देश, इस पूरी दुनिया में 157 कंट्रीज, इस्लाम मेजोरिटी वाली 49 कंट्रीज हैं, ये डेटा है। लेकिन जो OIC है, जो इनकी एसोसिएशन, जो इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसमें 56 राष्ट्र उसके सदस्य हैं। बौद्ध धर्म की मेजोरिटी जिन देशों में है वो 7 देश है जिनमें मेजोरिटी बौद्ध है, और हिंदू धर्म की मेजोरिटी वाले पूरी दुनिया में केवल 3 देश, केवल 3, इंडिया, नेपाल और मॉरिशस। ये बात मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप जरा समझ लीजिए कि हम कितनी जगह हैं, क्या है, कितना धर्म खतरे में है। अब दुनिया के जो कुल हिंदू हैं, मतलब वो जो 15% टोटल आबादी के हिंदू, 118-119 करोड़ जो हिंदू पूरी दुनिया में है, उसका 94% केवल भारत में। और किसी भी दुनिया के किसी भी देश में, एक देश में सबसे ज्यादा एक ही धर्म, मतलब ये हिंदू धर्म वाले इंडिया में पाए जाते हैं, 94%। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये तो मैंने बता दिया कि टोटल हिंदू जो पूरे दुनिया में, उसका 94% भारत में है, और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका करीब 80% हिंदू, 20% दूसरे धर्म के लोग, उसमें इस्लाम धर्म मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, बौद्ध धर्म मानने वाले, जीव मतलब हर एक अलग अलग, सिख धर्म मानने वाले अलग अलग। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से 20% हिंदू हैं, पर वी आर नॉट द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू नेपाल में है, जहां वो 81.3% है, हमसे ज्यादा है नेपाल, संख्या कम है लेकिन ज्यादा है। अब इंटरेस्टिंग डेटा आता है जो मैं आपको चाहता था कि वो भी आ सके। तो एक नंबर पे इंडिया, सबसे ज्यादा हिंदू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दो नंबर पे नेपाल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तीन नंबर पे बांग्लादेश। चार नंबर पे पाकिस्तान। पांच नंबर पे इंडोनेशिया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसमें से आप देखेंगे, छह नंबर पे हिंदू, जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं नंबर्स के हिसाब से, USA। सात नंबर पे श्रीलंका। आठ नंबर पे मलेशिया। नौ नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। और 10 नंबर पे कनाडा। ये वो हैं जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू नंबर के हिसाब से रहते हैं। अब आप ये अगर देखिए तो इसमें से बहुत से देश ऐसे हैं जिनका धर्म, जिनका राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम है, लेकिन हिंदू वहां अच्छी तादाद, मतलब नंबर के हिसाब से काफी है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि एक डेटा और देख के फिर मैं आपके इसके एनालिसिस की तरफ ले चलूंगा। एक चीज और, एक एंगल और देख लीजिए। 2023 में जो डेटा ये आया, आप लोग गूगल करके खुद देख सकते हैं, जो NRI थे। अच्छा पहले तो ये बता दें, अभी आज की तारीख में एस्टिमेटेड NRI कितने हैं। NRI जब मैं बोल रहा हूं, नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, ये कितने हैं? करीब 3,54,00,000, करीब 3.5 करोड़ इंडियन NRI से जो दूसरे देश में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं। 2023 में इन NRIs ने भारत में जो रेमिट, जो पैसा भेजा, जो भारत देश में आया और जिससे भारत देश का विकास होगा, यहाँ के लोगों की तरक्की होगी या यहाँ के लोगों का खर्चा चलेगा, वो US डॉलर $120 बिलियन।
US $120 बिलियन रेमिटेंस केम टू इंडिया फ्रॉम द NRIs ओनली 120 बिलियन, एक बिलियन में मोटे तौर पे 8,500 करोड़ रुपए। ये फिगर्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता जा रहा हूं कि आप जरा इसकी इसको समझ लीजिए कि कितने बड़े उसकी हम बात कर रहे हैं। जो टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की टॉप कंट्रीज, जो अपने देश अपने यहां के जहां के, जैसे हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसी तरह से मेक्सिको में जो नॉन रेजिडेंट मैक्सिकन्स हैं वो अपने नंबर दो, सबसे ज्यादा भारत दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा पैसा अपने घर भेजने वालों में भारतीय NRIs, दूसरे नंबर पे मेक्सिको है। मेक्सिको में अपने घर भेजने वाले जो नॉन रेजिडेंट मेक्सिकन्स हैं वो 66 बिलियन यूएस डॉलर्स भेजते हैं, हमसे करीब करीब आधा। और ये भी सुन के ताज्जुब होगा कि चीन, जिसकी इकोनॉमी हमसे करीब 6 गुना ज्यादा है, वहां के जो नॉन रेजिडेंट चाइनीज हैं वो अपना चीन में जब पैसा वापस भेजने की बात होती है तो केवल 50 बिलियन, हमारे आधे से भी कम, मतलब करीब करीब 40%। ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि अब आप जरा ये समझ लीजिए कि हमारी डिपेंडेंस आज इस 120 बिलियन डॉलर पे बहुत ज्यादा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था इस पे काफी कुछ निर्भर करती है। ये कहा जाता है बढ़ोगे कटोगे और नेम प्लेट लगाओ, तो आपको कभी नहीं लगता है कि हम हमारा देशों में हमारी तो क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है कंट्री, इस्लाम की मेजॉरिटी है जहां बुद्धिज्म की, वो कल के दिन नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई, और वो कह सकते हैं कि नहीं इन लोगों के साथ कोई काम कारोबार बंद कर, हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो अगर आज आप ये कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे और सब लोग एक साथ जुड़ जाओ तो उनका भी तो धर्म खतरे में आ सकता है। यू आर प्लेइंग विथ फायर, जो मैं जिस बात को मैं कह रहा हूं, यू आर प्लेइंग विथ फायर इन द सेंस कि कल के दिन आप जब ये काम कर रहे हैं, आप जब कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ और हम पढ़ेंगे कि उसमें किसकी नेम प्लेट है, और वो अगर हिंदू होगी तो उससे नहीं है सामान, तो ये इस तरह का आदेश तो वो कंट्री वाले भी लगा सकते हैं जहां पे क्रिश्चियनिटी की मेजोरिटी है या जहां पे इस्लाम की मेजोरिटी है, वो भी कह सकते हैं भाई नेम प्लेट लगाओ, यहाँ पे केवल जो इस्लाम धर्म मानने वाले मैं उन्हीं से खरीदूंगा, मैं इंडियन से क्यों खरीदूं, वो भी तो कह सकते हैं हर। और आज दुनिया जैसे है, हमारे हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे और लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, दुनिया में अपना नाम कमाया है, लेकिन जब आप ये जब करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, नेम प्लेट लगाओ, तो आप उन लोगों के लिए कितना मुश्किल पैदा कर रहे हैं ये शायद आपको अंदाज नहीं। मैंने ये इसलिए सिर्फ आपसे बनाया था कि आप जहां पे भी हो थोड़ा इस नजरिए से भी कभी देखिएगा, ये जो हिंदू धर्म खतरे में है, बटोगे, ये सब कितना देश विरोधी है, कितना इस देश की आर्थिक जो हमारी स्थिति है, इकॉनमी को कितना चोट पहुंचाने वाला ये सब स्लोगन है, और केवल किस लिए कि वो हिंदू मुस्लिम में वोटिंग हो जाए और हिंदू वोट हमें मिल जाए, कंसोलिडेशन हो जाए, इस तरह की बात। तो ये सारे लोग जो इस तरह के बातें करते हैं बटोगे तो कटोगे, वो मेरे हिसाब से तो इस देश के हित में नहीं अहित का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।